राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुश स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। तो इसी कामना के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये व्लॉग मतलब हवन हो चुका है यहाँ पे, भाभी ओढ़ना ठीक कर रही थी। मैं आपको बताऊँ, कई तो मेरी गुजरी बहन ऐसी थी, कई मेरी गुजरी भाभी ऐसी थी जिन्हें ओढ़ना ओढ़ना आता ही नहीं था। मतलब उन ना ओढ़ तो लिया लेकिन उन्हें किस तरह से उसे संभालना है वो समझ में ही नहीं आ रहा था। एक भाभी और थी, मैं आपको बताऊं, उन्होंने ना फ्रॉक का सूट पहना हुआ था। पहले उसने अमरेला कट भी बोलते थे, वो उस तरह का। ये चाची हैं, चाची बता देती हूँ, ये हमारी चाची हैं गांव से। मतलब यहाँ भाभी रहती हैं ना, तो भाभी के पास आई हुई हैं और ये बराबर में भाभी कड़ी हैं। ये बड़ी चाची हैं, अभी छोटी चाची से भी मिलाते हैं, तो शायद छोटी चाची आके चली गई हैं। तो उनका ओढ़ना ठीक कर रहे थे हम हम उनका ओढ़ना ठीक कर रहे थे। ये भी एक चाची, ये भी चाची लगती है हमारी, यहीं रहती हैं, ये भाभी हैं। तो आप सबको भी, सोनू बहन आप देख रहे होगे, सोनू बहन को तो आप अच्छे से जान गए होगे, और यहाँ पे खड़ी हैं छोटी चाची। तो उन्हें ना ओढ़ना ओढ़ना आ ही नहीं रहा था, फिर उनके पिन भी लगा दी ओढ़ने में, फिर भी है ना थोड़ी देर में देखा तो उन्होंने पूरा है ना उसे ऐसे ओढ़ा हुआ था। मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब पूरा ओढ़ना आगे किया हुआ था, जैसे चुन्नी कर लेते हैं, तो वो हैबिट नहीं होती ना। अब देखो सही बताऊँ तो जब शादी होती है लड़की की तो कौन सा ओढ़ना ओढ़ते हैं, लेकिन सबको देख के ओढ़ते हैं। आजकल ओढ़ना ही छोड़ दिया है, तो देख के भी कहाँ से सीखेंगे। कितनी तो गांव में तो हम ओढ़ते हैं, खैर मुझे तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमारे विधायक जी आ रहे थे, विधायक जी हैं शायद, मुझे देखो सॉरी मुझे पक्का कंफर्म नहीं है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए सब ओढ़ना ओढ़ रहे थे, ये चाची और भाभी हैं, और यहाँ पे ये हैं छोटी चाची, और पीछे होंगी ये, उस टाइम में शायद बताना भूल गई। और बस मेरा तो बहुत मन लग रहा था जब मायके वाले सब हों और मैं, तो बस मेरा तो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और गुजर दिवस था तो आप सभी को, अब तो गुजर दिवस पर आप सभी को, हमारे लिए तो हर रोज़ है, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो यहाँ पे फूल चढ़ा रहे थे और फूल हमने पहले चढ़ा लिए थे, ये वीडियो बन रही थी तो हम फूल दोबारे से चढ़ा रहे थे। और आप सबको इसलिए मैं रियली बता रही हूँ कि हमने पहले भी फूल चढ़ा लिया था। तो मिल से ये काजल भाभी हैं और भाभी भी सब, देखो भाभी का तो यहाँ फ्रेंड सर्कल है क्योंकि भाभी बहुत टाइम से रह रही हैं, और जो भाभी का फ्रेंड सर्कल है वो हमारा भी फ्रेंड सर्कल है तो इसी तरह से यहाँ सबके साथ अच्छे से, और सब बहुत मज़ा आ रहा था। और ये भी भाभी बहुत, सभी भाभी बहुत अच्छी हैं। बहुत ज़्यादा मन क्यों लग रहा है मेरा यहाँ पे, कि यहाँ बहुत प्यार और रिस्पेक्टेड प्यार बहुत अच्छा। और ये खैर मुझे ऐसा नहीं पहली बार मिला है, सभी बहुत अच्छे से, पहले भी जहाँ मैं रही हूँ सब बहुत अच्छे थे और यहाँ भी बहुत अच्छे हैं। मतलब यहाँ भी वो ही प्यार मिला है, ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि, मतलब जब शुरू शुरू में आई थी तो अच्छा सा नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था, डांस हो रहा है और डांस भी ज़बरदस्त किया था। डांस का मैं आप सबको बता दूँ दोबारे से, अगर कोई नया है तो, कि कॉपीराइट की वजह से मैंने नहीं डाला है वॉइस, नहीं तो अगर मैं डांस के साथ डालती तो आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। तो मतलब अच्छा लग रहा है सबके साथ में, और मायके वालों की ना बात ही अलग होती है। मायके में लड़कियाँ, मैं सही बताऊँ तो मायके जाने से मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना यहाँ सब मायके वाले आते हैं, और यहाँ पे जो धमाल मचता है ना वो अलग ही मज़ा है। मन लग रहा था और भाभियों के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये सभी मतलब यहाँ मैं आप सबको बता दूँ तो यहाँ आसपास के ही हैं ये सब, जैसे कि आसपास का गांव है, अब मैं गांव का नाम तो क्या बताऊँ, गांव का नाम नहीं बताऊँगी। तो यहाँ जितने भी आसपास के गांव हैं उसी गांव में से मैं अपने गांव का बता दूँगी, अगरोला। अगरोला के आसपास जितने भी गांव हैं ये सब वहीं से ही हैं, दूर से नहीं हैं ये भाभ, इसलिए मैं सबको ही, सभी मेरी भाभी हैं कोई भाभी हैं, चाची हैं, ताई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं। तो यहाँ मान सम्मान के लिए जो भी गेस्ट आए हैं वो आ गए हैं, और नंद किशोर गुजर वो पहले होके
चले गए हैं, मतलब जब तक मैं नहीं पहुंची थी। तो यहाँ पे वो ही सब घूंघट कैसे काट लिया सबने, और अच्छी तरह से घूंघट काट के रहती हैं ये ज़्यादा, मतलब फ्लैट में सोसाइटी में हर तरह से रहती हैं, जैसे जहाँ घूंघट करना है घूंघट कर लिया, जब फ्रेंड सर्कल में है सबके साथ में है तो गले में चुन्नी साइड में चुन्नी। तो बहुएँ अच्छी तरह, ऐसे नहीं है कि मॉडर्न है सारी पर घूंघट करती हैं, अच्छा लगता है। और उम्मीद करते हैं आप सबको कोई वीडियो पसंद आ रहा होगा। हाँ एक बात और बोलूँगी कि कल भी किसी ने मतलब लाइक नहीं किया ब्लॉग में, चाहे 100 कितने भी व्यूज आ जाएं, लाइक वो ही रहते हैं बिल्कुल गिनती के। तो मैं आप सबको बता दूँ, ना तो नेट खर्च होता है ना ही इसमें कुछ भी नहीं मिलता, मतलब कुछ भी नहीं होता। और जो कुछ होता है मैं सही बताऊँ तो व्यूज का होता है, जो आप हमें व्यूज देते हो, जो हमें कुछ मिलेगा वो व्यूज का मिलेगा, लाइक का कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छा लगता है, बस सिर्फ दिल को अच्छा लगता है जब लाइक नहीं देखती हूँ ना, मुझे बड़ा जी दुख होता है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक तो कर ही दिया करो। लाइक में क्या है, आपके पास देखो अंगूठा है और ऐसे टक करो, उंगली से ही टक कर दो, अगर अंगूठे में दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अंगूठे में भी क्या दिक्कत होगी, ठीक रहो मैं तो कहूँगी आप ज़्यादा ठीक रहो और व्यस्त रहो और लाइक भी करते रहो। मुझे लग रहा है जो लाइक करेंगे वो भी अपना लाइक वापस ले जाएंगे, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, ऐसा नहीं करते, ये तो गलत बात है। तो यहाँ पे हम भी वीडियो बना रहे हैं, चाचियर खड़ी हैं और बस एनर्जी के साथ तो ब्लॉग तो स्टार्टिंग कर दी अभी मुझे, वॉइस ओवर करने के साथ साथ जल्दी जल्दी में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, खाना भी बनाना है और डेली का मतलब वीडियो बहुत सारे तो मैं डिलीट करती हूँ कि मेरे से खांसी जुकाम हो रहे हैं बच्चों के, खास रायदी से पीछे, क्यों इसलिए वीडियो डिलीट करती हूँ कि मेरे से एडिट नहीं होती। और ये जब सब होते हैं ना तो वो वीडियो मैं ज़रूर डालती हूँ कि ऐसा ना लगे कि उसमें तो हम भी आए थे, और उसे मैं कहीं से कट भी नहीं किया है, मैंने पूरा ही व्लॉग डाला है कि सब शायद वेट भी करेंगे भाई हमारा व्लॉग कब आएगा, तो इसलिए मैंने व्लॉग आज डालूंगी, मतलब ये शायद पूरा व्लॉग मैं आज ही डाल दूंगी उस दिन का, और कल आएगा नेक्स्ट व्लॉग, कल भी देखना कल आएगा, क्योंकि मेरे पास व्लॉग आ चुका है बन के गाँव से कंप्लीट, तो उसे मैं आज कंप्लीट करूंगी, और हो सकता है फिर एक दो दिन ना डालूं, जैसे क्लिप पड़ी है शायद वो भी जोड़ के डालूं, जैसे कि आज भी मैंने थोड़ा सूट किया है, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे सूट कर रहे हैं तो वो ही शायद मैं डालूं। तो आप सभी को कैसा लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमने तो बहुत इंजॉय किया, भाभीियों ने डांस किया तो हमने वीडियो बनाई, हमें बहुत अच्छा लगा भाभीियों ने खुश हो के वीडियो बनाई तो और भी अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे किसी का भी ये नहीं है कि मेरा व्लॉग मत बनाना, मेरा मतलब कभी किसी ने ऐसे कहा ही नहीं कि ये क्लिप डिलीट कर दो, ये अच्छी नहीं है, यहाँ से ऐसे कर दो, किसी भी तरह का बड़े खुश हो के वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है जी, जब कोई डर और भय नहीं होता, ऐसे तो आप सोच सकते हो डर भय में तो हर चीज़ है ना बड़ी, डर डर के फिर वीडियो भी नहीं बना सकते हम। और यार सारी ही भाभी डांसर हैं, बाद तक भी लगी रही हैं, वीडियो मैंने पूरा सूट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सूट किया, सोनू बहन है इस यहाँ गाना चल रहा था छोरी गुज्जर का ले जाएगा, तो सोनू बहन मेरी तरफ कर रही है, तो मैं सोच रही हूँ हाँ जी हमें तो गुज्जर का ही ले गया हम आए गुजर में, और बस सब उस दिन जब प्रोग्राम हुआ था ना जन्माष्टमी का, या उसमें मतलब एक उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगी तो आज रंग जमा हुआ था, उससे ज़्यादा उस दिन भी अच्छा लग रहा था जन्माष्टमी, क्योंकि हमें घर भी करना था, घर भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी थी, तो हमें घर में भी दिमाग था, उस टाइम हम दो जगह बटे हुए थे, इस टाइम हम माइंड फ्री थे और मज़े से डांस देख रहे थे, और भाभियाँ डांस करे और नंद वीडियो बनाए तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है। तो आप सबको कैसा लगा मेरी भाभियों का डांस, कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट कर ही देना प्लीज़ 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 प्लीज़, कमेंट करने में क्या जाता है भाई, नेट नहीं खर्च होता, और अब तो सबके वाईफाई लग रहे हैं, किस किस के वाईफाई, चलो यही बता दो आज कमेंट करके, यही बता दो किस किस के यहाँ वाईफाई लगा हुआ है, और डांस का भी बता दो कौन सी भाभी, और एक बहन है मेरी, भाभियाँ अच्छा डांस कर रही हैं बहन, ये बता दो। और बस मिलते हैं फिर आप सभी से
मिलते ही हैं। अब वॉइस ओवर बस मैं इतना ही करूँगी, मैं तो अभी मिलती ही रहूँगी आपको, और देखते हैं कब तक जैसे ऐसे ब्लॉग बनेगा तो मैं डालूँगी। अभी ऐसे नहीं कि भाई अपने पे प्रेशर डालूँ, नहीं नहीं ब्लॉग बनाना ही है, क्योंकि व्यूज़ और लाइक ही शायद आपको ब्लॉग पसंद ही नहीं आता है, इसलिए अभी कुछ दिन के लिए मैं गैप करूँगी जब तक मैं अपने घर में शिफ्ट नहीं होती। एक यहाँ ना अभी हमारा भी है ना, हम भी बटे पड़े हैं सही पूछो तो, ऐसे सब कहते हैं तो हैं। अब मिस्त्री भी यार अपने हाथ से ही काम करते हैं, ये हमारे बस में तो है नहीं कि तुमने ऐसे नहीं करवाया किसी का। अब हम मिस्त्री तो है नहीं कि हम चिंदे, अब ये यार बहुत टाइम लगा दिया और इस चीज़ के लिए, ये चाची हैं आपको तो ये हमारी चाची लगती है, खैर एज में तो हमसे कम है, बाद में शादी हुई है। लेकिन जैसे कि अब शहरों में, अब दिल्ली में अगर किसी को आंटी कह दे तो चिढ़ जाए, इन्हें हम आंटी कहें तो नहीं चिढ़ेंगी, बहुत खुश होंगी, क्योंकि ये यहाँ पे गांव में रिश्ते देखते हैं कि रिश्ता क्या है, ये हमारे भाई लगते हैं, ये हमारे चाचा, तो उस हिसाब से, चाहे एज कितनी भी छोटी हो उस हिसाब से करते हैं, तो वहाँ एज के अकॉर्डिंग बोला जाता है। तो ये फ़र्क होता है गांव में और शहर में, काफ़ी फ़र्क होता है। गांव में बहन जी कहे तो खुश होते हैं और शहर में बहन जी कह दे तो बुरा मान जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से।